अभी एक मैं छोटी सी राइड पे निकल रहा हूँ। राइड क्या बताऊँ, 15-20 किलोमीटर की राइड है, बट 15-20-40 किलोमीटर आना जाना हो जाएगा। राइडिंग जैकेट को मैं टेस्ट कर रहा था काफ़ी टाइम से, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। FKR की राइडिंग जैकेट है ये, इसके बारे में डिटेल्स वगैरह मैं देने वाला हूँ। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। सो व्हाट्सअप पीपल, कुलदीप दिस साइड, बैक विद अनदर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द मोटो व्लॉग। मॉर्निंग 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 सभी को गुड मॉर्निंग। वैसे वीडियो देख रहे हो क्या पता, मॉर्निंग में देख रहे हो, आफ्टरनून में देख रहे हो, क्या पता मैं आज रिलीज कर दूँ। आज दिवाली है, सबको हैप्पी दिवाली। सो खुल के मनाओ और खिल के मनाओ दिवाली। और कल इंडिया भी जीत गई है, ओहो क्या बात है। सोने में सुहागा और कल अच्छा खेली, मज़ा आया देख के। दो मैचों से ऐसे लग रहे थे कि यार मैच ही नहीं बन रहा और हार गई इंडिया। जो कल जीती ना, तो थोड़ा सा जो गम था ना अपना, वो थोड़ा सा दूर हुआ। थोड़ी सी होप, उम्मीद जगी है कि इंडिया कुछ अच्छा कर पाएगी। स्वीट्स एंड स्वीट्स दिखती है हर दुकान, हर जगह कि यार यहाँ भी स्वीट्स लगी हुई है, वहाँ भी स्वीट्स है, स्वीट मेरे लिए नहीं बनी। अब दोबारा से मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाह रहा हूँ। दिवाली से मैंने नेक्स्ट डे सोचा कि जिम दोबारा से स्टार्ट करूँ और थोड़ा सा वेट लूज करने पर ध्यान दूँ, क्योंकि थोड़ा सा वेट मैंने गेन कर लिया है, काफ़ी टाइम हो गया जिम करे। सो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं जैकेट के बारे में बात करने वाला हूँ। राइडिंग जैकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक राइडर के लिए। सो जैकेट ये जो बनाई है, ये FKR ने बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले मैं बता देता हूँ कि मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, मैं हरियाणा में एंटर कर रहा हूँ। डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी से चर्चा कर लिया जाए। ये मेड इन इंडिया जैकेट है। अगर आप इनटू दिस के मेड इंडिया जैकेट पहननी है, आपको पसंद है कि इंडियन जैकेट को, इंडियन मैन्युफैक्चर जैकेट को बनाए, दिस इज़ फॉर यू आई थिंक। और इसकी बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। आप जैकेट पहनते हो थ्रू आउट द, अगर लॉन्ग राइड पर जा रहे हो या एक शॉर्ट स्पिन पर भी जा रहे हो, तो आप ऐसा फील नहीं करना चाहते कि जैकेट में काफ़ी वेट है तो आप राइड को इंजॉय ना कर पाओ। सो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट जैकेट लगती है ये। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसके आर्मर्स उसके लेवल 2 के मिल रहे हैं, जो कि अभी लेवल 2 के ही मिलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग कोई और से ऊपर तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बाकी इसके आर्मर्स आपको एल्बो, शोल्डर और बैक में मिलते हैं, और जो तीनों के तीनों लेवल 2 है। जैकेट की चर्चा थोड़ी देर में शुरू करते हैं, आपको अच्छी तरह जैकेट को मैं दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा और डिटेल्स वगैरह बताता हूँ। उससे पहले आप यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। बाकी हमारे डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस पास में ही है, अभी पहुँचने वाले हैं। डेस्टिनेशन से ज़्यादा मैं जो ट्रैवल करके हम जाते हैं, जो सफ़र को हम एंजॉय करते हैं ना, मैं उसको ज़्यादा फील करता हूँ, ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। सब्जियाँ ही सब्जियाँ मिल रही हैं यहाँ पे मॉर्निंग में। सो अगर आपको पता नहीं तो हम सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जा रहे हैं। सो यहाँ पर जाके थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, अगर कुछ एक्साइटिंग दिखाई देता है तो आपको भी दिखाते हैं। बाकी मॉर्निंग में एक राइड हो जाए ना, तो उसका मज़ा ही अलग लेवल का होता है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी यही है, शायद पहुंच गए हम, यही यहाँ से एंट्री है यहाँ पे। थोड़ा सो आई नीड टू बी केयरफुल, डिवाइडर नहीं है, और ये एंट्री है या आगे 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 अगला वाला गेट। मैंने सोचा ये वाला गेट है, बट वो वाला गेट नहीं था, मुझे याद नहीं है ना गेट एग्जैक्टली, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे कि कौन सा वाला गेट है। ये वाला गेट है, रिसेप्शन राइट साइड में है। हम अपनी बाइकें यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हैं। सो जैकेट दिखने में कुछ ऐसी लगती है। मेन पॉइंट्स मैंने इसके सारे लगभग कवर कर दिए, बाकी जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो सारी चीज़ डिटेल्स वगैरह बता देता हूँ। बाकी आप है ना इसको चेंज कर सकते हो, अपने फ्लैग के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये वेलक्रो से लगे हुए हैं, सो आप ये कर सकते हो। बाकी मैं जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि आर्मर ये शोल्डर पे रहा और ये बैक पे रहा, और एक आर्मर यहाँ पे एल्बो पे, दोनों एल्बो मिलेंगे ऑब्वियसली। बाकी जो जैकेट को बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप देखोगे तो इसकी कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर मैश से बनी हुई है, ये यहाँ पे मैच। सो इसका एयर फ्लो काफ़ी अच्छा लगा। ये FKR की ब्रांडिंग है, ऐसे ही आगे दे रखी है, ये रिफ्लेक्ट करती है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो नेक पे आपको छिल जाता है जैसे लॉन्ग राइड वगैरह जाते हो, तो वो नहीं होगा कि यहाँ पे सॉफ्ट सी कोई क्लोथिंग दे रखी है, जिससे कि आपकी नेक में कोई इशू नहीं आएगा छिलने वगैरह का। थोड़ा सा जो मुझे फिटिंग में इशू लगा कि यहाँ से ना जो आर्म्स पे
इसकी फिटिंग थोड़ी सी बेटर होती तो ज़्यादा बढ़िया होता, बट इस वेलक्रो से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी पॉकेट दे रखी है, एक इधर एक इधर, एक पॉकेट अंदर की तरफ दे रखी है। सो कुछ जैकेट इस तरह की है। बाकी जैसे कि मैंने बताया था कि बैक में ना लेवल 2 प्रोटेक्शन दे रखी है, बट लेवल 2 के साथ आपको 7000 की पड़ेगी। प्लस मैं आपको एक स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूँ, कुलदीप FKR कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, कूपन कोड को अप्लाई कीजिए और जैकेट को फटाफट बाई कीजिए। बाकी अगर कोई डाउट है जैकेट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा और सबको कोई डिटेल्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी ये मैश जैकेट है, इसमें लाइनस वगैरह नहीं आते हैं तो आप उसके लिए वार्मर अलग से लेना पड़ेगा। तो जैकेट कुछ ऐसी नज़र आती है, मैश ऐसे पीछे मैश बना हुआ है। सो एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है। बाकी इसमें ना एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि आप इसमें लाइनर्स वगैरह नहीं है, लाइनर्स लगा नहीं सकते, आपको सेपरेटली वार्मर्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे। अपनी कोल्ड कॉफ़ी आ गई है, भाई की भी कोल्ड कॉफ़ी आ गई है। बाकी चीज़ की सैंडविच भाई ने ऑर्डर नहीं किए थे, खाओगे तो खा लो। ना ना आप खाओ, आप हेल्दी रहो आपकी फिटनेस का राज यही है। अपना तो ऐसा ही है कि कहीं भी जाते हैं तो खाने का तो जरूर देखते हैं, अच्छे तरह ढंग से खाते हैं। बाकी डाइट मैं करूंगा यार, मैं जैसे बताया तो वीडियो में करूंगा, बट कल से करूंगा। आज दिवाली, आज मिठाई वगैरह भी चलेंगी, सो आज डाइट के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बाकी यहाँ पे सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में आए हैं, यहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है तो ठीक ठाक खाना है, बाकी जैसा भी खाना रहेगा आपको बता देंगे। और बाकी अगर सिनेमैटिक शॉट लेंगे और कुछ अट्रैक्शन है वो आपको भी दिखाएंगे। जो टिकट लगी है बाइक की लगी है हमारी लगी है? 50 रुपये कैमरे के। अच्छा अच्छा। और 5 रुपये तुम्हारे, 5 मोटरसाइकिल। तो कभी भी सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आए तो 2 गेट हैं, एक गेट में आपको रेस्टोरेंट और रूम्स वगैरह मिलते हैं, दूसरे में आपको ये नेशनल पार्क में घूमने के लिए मिलता है। बाकी टिकट्स वगैरह मैंने बताई दी थी कि कैमरे के 50 रुपये दिए, पर पर्सन 5 रुपये हैं, बाइक के 5 रुपये लगे, गाड़ी के कुछ और होंगे चार्जेस, 10 रुपये होंगे, डबल ही होते हैं नॉर्मली। पीछे काफ़ी बड़ा है ये, अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। भाई कुछ मिलेगा देखने के लिए? तुम पहले आओ। होगा भाई, सस्पेंस वाला होगा। सो ऐसा लग रहा था कि वॉक करने के लिए निकले हैं और काफी लंबी वॉक होगी, 1 किलोमीटर की तो कर ली होगी, आराम से 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं हम। और ये एक पाथ बना हुआ है, ये अच्छी बात है कि पाथ पे चल रहे हैं। बाकी देखने के लिए कुछ नहीं मिला, शोर शराबा पूरा कंप्लीट मिल रहा है हमें, शांति है, भर भर के शांति है, पक्षियों की आवाज है और बस उसके अलावा कुछ नहीं है। बस बैठने के लिए यहाँ पे ये मिल गया था तो थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं आपके लिए, कुछ इंटरेस्टिंग और है नहीं कुछ करने के लिए। अपना प्रमोशन करता हूँ, कैसे भाई को फोन दिखाना आप फोन देखना है लो। और यूट्यूब भी ओपन करो। लो भाई यूट्यूब ओपन हो गया, देखो भाई ने भी नहीं किया हुआ और आपने भी नहीं किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रखा होगा? कर रखा है भाई ने, किया हुआ यार, आप भी कर लो, बीट द माइलस्टोन मेरे चैनल का नाम है, अपना प्रमोशन खुद कर रहा हूँ पर भाई अच्छा लगा ये सुन के देख के मजा आ गया होगा इनको, मेरे को मजा आ गया, मेरे को लगा नहीं था, मैं तो ये सोच रहा था कि भाई ने, भाई मैं वीडियो भी देखता हूँ, कोई बात है ऐसी बात नहीं है। बाकी इसके बारे में बताओ यार कि ऐसा लग रहा है कि वॉक करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे ना आपको कुछ नहीं मिलेगा, थोड़े बहुत बर्ड्स की आवाज मिलेगी, 2-4 गाय मिल जाएगी, किस्मत अच्छी रही तो नील गाय मिलेगी, बाकी उनके गोबर आपको हर जगह मिलेंगे, वो कुछ नहीं मिलने वाला कहीं पे भी तो उससे तो आप क्या बचोगे। बाकी है ना शांति के लिए आ सकते हो, कभी वीकेंड पे मन कर गया एक दिन आ गया, रुकने का मन हो तो पीछे जैसे बताया था कि रेस्टोरेंट भी है और साथ में स्टे के ऑप्शन भी है। एक चीज ध्यान रखना कि आप जब भी आओ ना ठंड के टाइम पे आना, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ठंड में ये कि आप हल्का फुल्का घूम सकते हो, धूप अच्छी होगी और प्रॉपर जंगल ही है यार, जंगल में आप क्या ही उम्मीद करोगे। बाकी जो गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि ये बंद भी रहता है कुछ टाइम के लिए, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट अक्टूबर में शायद ओपन होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर विंटर के टाइम में ये ओपन रहता है, तब यहाँ पक्षी वगैरह वापस आ जाते हैं, नहीं तो समर टाइम यहाँ से चले जाते हैं, तो आपको जो थोड़ी बहुत सुनने के लिए जो भी मिल रहा है ना वो भी बंद हो जाता है। सो बाकी जंगल सा ही लग रहा है। जो
हमने देखा ना काफी ज्यादा फोटोग्राफर्स थे, फोटोग्राफर्स में वही टेलीफोटो लेंस ले रखे थे, तो उनको दूर से क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हमें तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिला नहीं। फोटोग्राफर्स के लिए भरमार है, बर्ड्स के लिए क्योंकि दूर से ही जैसे बताया टेलीफोटो लेंस होते हैं, जूम कर पाते ना अच्छे से, हमारी आंखों से कितना ही जूम, कितना जूम होगा, बस कितनी दूर तक देख पाएंगे। बाकी हमारे पास वाइड एंगल लेंस है तो इसमें इतना जूम नहीं हो पाता। मे बी इन फ्यूचर कोई जूम लेंस लाएंगे तो कुछ दिखा पाते। बाकी अभी टाइम हो गया चलने के लिए। टाइम कितना हो गया भाई? भाई टाइम हो गया 11 बज गए। वैसे दिवाली है, घर पे जाना अब तो काफी घूम चुके। हाँ 11:30 चलने के लिए सोचा था, 12 तक आराम से पहुंच जाएंगे। टाइम टू गो, बाय बाय बाय। बढ़िया राइड रही, बढ़िया टाइम पास हो गया, मजा आ गया। बाकी स्वीट्स लेके जाने, घर से कॉल आई थी कि स्वीट्स लेके आना, तो मैं पूछना पड़ेगा कितना क्या लाना है। बैग में लेके आया हूँ तो इसमें मैं रख ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रसगुल्ले नहीं ले जा सकता, मेरे फेवरेट है। चलो कोई नहीं, मिठाई में बर्फी ही लेनी पड़ेगी मुझे, और क्या ले सकता हूँ। रसगुल्ले ऐसे पन्नी में डाल के देते हैं अंदर से, जिससे वो लीक ना हो। स्टिल पूछ लूंगा, बैग में कैरी कर रहा हूँ, बाइक पे आया हूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। फर्रुख नगर पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे मिठाई की शॉप पे भीड़ देख ही रहे होगे, गाड़ी पे गाड़ी लगी हुई है। तो यहीं पे पार्क करते हैं। कैसे पार्क करें, अब ये निकालने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। जाम लगा, जाम लगा। बाकी है ना रसगुल्ले तो लिए नहीं क्यों, पन्नी में पैक नहीं थे, डब्बे डब्बे में पैक रहते, उनका रस निकल जाता। और अभी जा रहे हैं पटाखों के लिए, फायर क्रैकर्स के लिए। क्रैकर्स की फैक्ट्री में आए हैं, तो यहाँ से क्रैकर्स लेके जाएं। भाई को चाहिए थे, मुझे तो इतनी कुछ जरूरत नहीं थी। बाकी मैंने थोड़े बहुत जो जलाने थे वो ला रखे थे, कि बच्चों के लिए है मेन। तो मैं तो इतना ज्यादा कुछ शौकीन नहीं हूँ क्रैकर्स का, अब मैं बड़ा हो गया, बड़ा हो चुका हूँ। और वैसे भी थोड़ी समझदारी आएगी, पोल्यूशन वगैरह थोड़ा सा कम से कम जितना फैलाया जाए उतना कम फैलाना है। अरे ये सिर्फ है ना बोलने वाली बातें है, ठीक है? दिवाली साल में एक बार आती है, कुछ नहीं होता भाई। नहीं भाई देखो यार, देखो पोल्यूशन कितना ज्यादा होता है, 2-3 दिन तक सांस भी नहीं आती अच्छी तरह। तो बस अपने अपने ऊपर है, मैं तो अपना कंट्रोल रखता हूँ। बाकी इतना मुझे शौक भी नहीं था पहले भी, मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि पहले मैं बहुत ज्यादा जलाता था और एकदम से मैं सुधर गया हूँ। तो यहाँ पे फायर क्रैकर्स मिल रहे हैं, तो फायर क्रैकर लेने आए हैं। अंकल जी कह रहे बना लो, थैंक यू अंकल। अनार लिए हैं, कुछ अपनी बेटी के लिए लिए हैं, मेरी बेटी चला लेगी अजय शगुन। मैं थोड़ा सा अपना कंट्रोल में ही रहूँगा, मे भी एक चला लिया ज़्यादा। टाइम हो चुका है 12, काफ़ी लेट हो गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, काफ़ी देर में नंबर आया, अंदर भी काफ़ी वीडियो, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, नहीं तो अदरवाइज अच्छी तरह दिखाता आपको मैं। चलो कोई बात नहीं, भाई मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, थैंक यू भाई, हैप्पी दिवाली आपको भी। मेरा गिफ्ट पेंडिंग है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जब जरूर देंगे, कोई बात ना भाई। चल भाई जल्दी मिलते हैं, कोई राइड प्लान करते हैं। रीच होम। बाकी यहाँ पे आप देखो रंगोली बना रखी है और लिख रखा है हैप्पी दिवाली, है बच्चों की कारीगरी है, बच्चे और इनकी बुआ जो मेरे चाचा जी की लड़की है उन्होंने मिलके बनाया है, मेरी वाइफ ने थोड़ी सी हेल्प करी है। बाकी देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है, तो सबको हैप्पी दिवाली। बाकी राइडिंग जैकेट को बाय करना चाहते तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे बताया था कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं कुलदीप FKR कैपिटल वर्ड में, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दो मॉडल मिलते हैं, बैक प्रोटेक्शन लेवल 2 और 1, 1 वाला 6,000 रुपये का, 2 वाला 7,000 रुपये का, कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, ओए हैप्पी दिवाली। तो अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी फटाफट कर लीजिए, 1,00,000 करा दीजिए। दिवाली भी आ गई, अब क्या कर रहे हो, इतना लेट क्यों कर रहे हो। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम, बाय। सब्सक्राइब करके जाना जल्दी से, 1,00,000 कराना।